ऋषि सुनाक और उनकी पार्टी की हो गई है टाए टाए फिस, और उन्होंने दे दिया है अपना इस्तीफा कि भाई मैं नहीं रहने वाला अब यहाँ का प्रधानमंत्री, तुम सालों ने वोट ही नहीं दिया। हाँ 650 सीटें लड़ी थी हमने और 119 दे दिया था, अब कैसे होगा। हाँ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने उनके लिए टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूँ कैलिफोर्निया, ऐसा कह के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाई ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसे हो गया कि भाई वहां की जो लेबर पार्टी है उसने उसे मिले हैं 410 और 336 चाहिए था उनको जीतने के लिए बहुमत के लिए, और भाई इनके पार्टी को मिल गए हैं 410 और ये इसे कह सकते कि ये भारी बहुमत से जो है जीत गए हैं और 400 पार कर गए हैं। मोदी जी यार नारा यहाँ पे दिए थे और केयर स्टार्मर जो है वो आगे निकल गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, केयर स्टार्मर जो है लेबर पार्टी के नेता हैं और वही वहां के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। और लेबर पार्टी के जब आप नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके कान जरूर खड़े हो जाते होंगे, मेरा भी कान खड़े हुए थे क्योंकि इन्हीं की इसी पार्टी से संबंध रखते थे जेरमी कॉर्बाइन, और जेरमी कॉर्बाइन जो थे वो काफी हद तक जो थे क्या कहें उसको, हिंदू विरोधी भी कह सकते हैं और साथ साथ में भारत विरोधी भी थे, और उनके कुछ जो बयान उन्होंने जो दिए थे उससे भारत को काफी परेशानी हुई थी। खासकर उन्होंने कश्मीर के मामले में कहा था कि भाई जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उनको कश्मीर में घुस जाना चाहिए और कश्मीर का एक सोल्यूशन निकाल कर देना चाहिए। जेरमी कॉर्बाइन जो है उनके भाई जो है वो जो है काफी बार जो है खालिस्तानियों के संग देखे गए हैं और खालिस्तान की डिमांड के समर्थन में भी रहते हैं। एनीवे ये सारी बातें होने के बाद जो है कायस टामर ये बात समझ चुके थे कि भारत की अहमियत कितनी है और इसीलिए धीरे से जेरमी कॉर्बाइन को उनको साइड लगाया गया और कायस टामर को सामने लेके आया गया। और कायस टामर जो है दोस्तों अक्सर आपको काफी सारे होली और दिवाली और इन सब के फेस्टिवल्स में भी आपको दिखेंगे, काफी अच्छे से क्या बोलते हैं भाग लेते हैं। एक दो फोटो मैंने देखी उनकी, वो गाय गाय को खिला पिला भी रहे थे। तो देखिए दोस्तों, अभी इस वक्त जो है यूके का प्रधानमंत्री कोई भी बने उनकी मजबूरी है, उनकी इकोनॉमी जो है वो टाए टाए फिस हो गई है, जैसे कि आपके ऋषि सुनाक है उनकी उसी की तरह उनकी इकोनॉमी भी टाए टाए फिस हो गई है, और उसको वापस से जिंदा करने के लिए उनको भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। और ऋषि सुनाक जो थे वो भी काफी हद तक ट्राई कर रहे थे कि भारत के साथ FTA हो जाए, लेकिन कुछ कारणों से अभी तक वो जो है साइन हो नहीं पाई है। तो जेरमी कॉर्बाइन का जो मेन एक टारगेट रहेगा कि भाई भारत के साथ FTA का जो डील है उसको साइन कर लिया जाए और अपनी इकोनॉमी और अपने देश को आगे बढ़ाया जाए। और जहां तक कश्मीर का मामला है भाई कायस टामर जो है वो समझ गए हैं कि भाई भारत एक उगता हुआ सूरज है और उससे पंगा लेना जो है उनके देश के लिए सही नहीं रहेगा। भाई यही से तो लूट लूट के हम लोग बनाए थे और वापस अब दोबारा देश खड़ा करना है तो भाई भारत की जरूरत फिर से पड़ेगी, तो वो ये बात समझ चुके हैं। और वो जहां तक मुझे लग रहा है वो भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहेंगे, और उनकी सबसे बड़ी परेशानी दोस्तों क्या बनने वाली है वो है इस्लामिक जो रेडिकलिज्म जो यूके में है वो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। तो दो चुनौतियां मैं उनके लिए देखता हूँ, एक जो है वो है उनकी इकोनॉमी और दूसरी चुनौती है आपका इस्लामिक रेडिकलिज्म, और एक और चुनौती है दोस्तों जहां तक भारत के साथ FTA साइन करने की बात डील साइन करने की बात है तो भारत कहीं ना कहीं चाहेगा कि जो खालिस्तानी जो एलिमेंट ब्रिटेन में खूब भंगड़े पाते रहते हैं उनको थोड़ा दबा के रखा जाए, उनको सही करके रखा जाए, थोड़ा पिछवाड़े पे दो तीन डंडे उंडे मार मार के उनको सीधा किया जाए। तो भारत की ये मनोकामना रहेगी कायर स्टामर से, और कायर स्टामर की मनोकामना रहेगी कि भाई भारत जल्दी से FTA साइन कर दे हमारे साथ, तो हमारी कोई जो इकोनॉमी अभी जो गड्ढे में पड़ी हुई है थोड़ी बाहर आए। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।